हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हस्बैंड करने वाले हैं आज कुछ डिफरेंट सा। चलो उनसे ही पूछते हैं क्या करने वाले हैं। आओ बताओ खुद क्या करने वाले हो आज। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं, प्लांट लगाने वाले हैं। हमारे पास पॉट है नहीं इतना बड़ा, तो मैंने सोचा घर पे ही बनाते हैं और खुद से ही बनाएंगे। टूल्स भी नहीं है हमारे पास, लेकिन देख चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो अभी तो नहीं, थोड़ा जैसे ही धूप हल्की हो जाएगी, क्योंकि छत पे बनाना है, और जैसे ही धूप हल्की हो जाएगी तो उसके बाद फिर पहले पॉट बनाएंगे। और ये व्लॉग लगभग 3 से 4 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि पॉट बनाना है, उसके बाद फिर उसे डेकोरेट करना है, मतलब फिनिशिंग, पूरी फिनिशिंग के साथ उसे दिखाना है, और मतलब रखना भी है। और उसमें जो बेल, मतलब बेल लगाएंगे, बेल है उसे क्या बोलते हैं, मैंने हाँ बेल ही है। और उस पर फ्लावर्स आते हैं पिंक कलर के, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं फ्लावर्स। जब ग्रो हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है वो वो प्लांट। मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल कि किस टाइप के फ्लावर आते हैं। और पूरी की पूरी बेल, क्योंकि हमारे नेबर के यहाँ पे लगी हुई है, तो मैंने वहीं से स्टिक ली है प्लांट करने के लिए। तो अभी काफ़ी तेज़ धूप है, उस अभी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जैसी धूप हल्की हो जाती है तो सबसे पहले पॉट बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉट बनाना। गाइस, टूल्स तो ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो जैसा भी है अरेंजमेंट बस ऐसे ही टेम्परेली जुगाड़ कर लिया है जिस भी चीज़ से बनाएंगे। और ये सीमेंट थोड़ा हैवी रखा है मैंने, क्योंकि जब रूट्स पॉट में बढ़ने लगती हैं तो फिर मे भी वो क्रैक आने का डर होता है। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सीमेंट एक्स्ट्रा रखा है, कोई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। और मैं इसे ना छत पे डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि फिर इसमें रेगुलर जब मिट्टी पड़ी रहेगी और पानी डलता है तो वो छत में प्रॉब्लम होने की वो रिस्क हो जाता है कि पानी का कुछ ना कुछ पानी का मैटर है। तो मैंने इसलिए इसे इसके ऊपर बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, मे बी पट्टी बोलते हैं इसे, सिल नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, इसके ऊपर बना रहा हूँ, जिससे कि मतलब अगर पानी भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो छत में कोई प्रॉब्लम ना हो। पॉट में एक होल होना ज़रूरी है, जो उसमें एक्स्ट्रा पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है तो वो निकल एग्जिट होता रहे, अदरवाइज जो भी प्लांट होगा उसकी रूट्स गल जाएंगी और वो प्लांट ख़राब होने का डर होता है। तो मैंने इसमें एक पाइप लगाया है जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर हो इसमें वो एग्जिट कर जाए इस पाइप से। तो स्ट्रक्चर तो हो गया है रेडी, और अभी ये सूखना है, तो एक दिन तो इसे कम से कम प्रॉपर चाहिए सूखने के लिए। तो मैं आज तो इस पर अभी कुछ करूँगा नहीं, वैसे भी काफ़ी देर होगी अलगे लगे, तो बाकी का काम अब कल करेंगे। तो आज पॉट तो अच्छे से सूख गया है, अभी आज उस पर प्लास्टर भी करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही रखेंगे उसे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्का फुल्का उस पर ऊपर से एक लेयर चढ़ा देते हैं, कि मुझे, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो ऐसे ही टेम्परेली जैसा भी होता है कर देते हैं उसके ऊपर लेयर, जिससे कि उस पर पेंट वगैरह हो गया, थोड़ा सा अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बना के बस उसमें मिट्टी भर दें, तो थोड़ा तो अच्छा लगना चाहिए। इसलिए मैं अब इस पर थोड़ा प्लास्टर करना सोच रहा हूँ, ऊपर से हल्की सी लेयर ऐसे ही चढ़ा देंगे जैसे ही भी वो चढ़ पाती है। ये तो अच्छे से सूख गया है प्रॉपर, काफी मजबूत हो गया है।
तो चलो अब थोड़ा इस पे प्लास्टर करते हैं पहले। मुझे आता तो है नहीं, लेकिन जैसा भी मैंने ये जो होते हैं कारीगर जो मकान बनाते हैं या घरों को बनाते हैं, मैंने उन्हें करते हुए देखा है, तो थोड़ा थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की है उनको कि जिस टाइप से, विदाउट टूल तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। सिर्फ टूल के नाम पे ये एक ही चीज़ है और सारा काम मैंने इसी से किया जितना भी पॉसिबल हुआ, जितना भी मतलब इसको प्लेन कर पाया मैंने इसी से करने की कोशिश की। ये प्लास्टर तो हो गया है जैसा भी हुआ है टेम्परेली, बट इसके कॉर्नर नहीं बन पाए हैं अभी। मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बनाने हैं और क्योंकि टूल नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं देखता हूँ कुछ अगर ऐसा मिल जाता है तो ये कॉर्नर बनाने के लिए। और मुझे मिल गई है ये रोड, तो जैसा भी बनता है इसी से कॉर्नर बनाता हूँ मैं। और वैसे भी कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसे जी जान से करना चाहिए जब लगे हुए हैं। तो बाकी मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ और ये चारों कॉर्नर इसके कंप्लीट करके फिर बाकी तो इसमें अब कल ही हो पाएगा जो भी होगा। इसे सुखा के सूखने देंगे आज के लिए और फिर बाकी इसे फिनिश जो करेंगे प्रॉपर कंप्लीट ये कल होगी। ये देखिए हमारा पोर्ट प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। और अच्छा आप कमेंट करके बताइए मैंने कैसे बनाया है, कैसा लग रहा है देखने में। कॉर्नर वगैरह मैंने प्रॉपर सेट कर दिए थे, टाइम तो बहुत लगा इन्हें करने में क्योंकि इधर से बना रहा था उधर से टूट रहा था, उधर से बना रहा था इधर से टूट रहा था, तो फाइनली धीरे धीरे फिर मैंने काफ़ी टाइम लग गया था, अंधेरा होने लगा था तो फिर कंप्लीट ही करके छोड़ा लेकिन मैंने इसको। अभी चलते हैं ऊपर और हस्बैंड लगे हैं पता नहीं क्या करने, फोर्ट में लगे हुए हैं, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, चलते हैं देखने के लिए। धूप हो रही है बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हो डियर जी? आज पोर्ट क्लियर करना है। ये पोर्ट क्लियर करना है, धूप में लगे पड़े हो तो क्या हुआ? हाँ अब कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। मैं आई हेल्प यू? नहीं बस तुम देखो खड़े होके। ये पेंट वेंट इतना सारा रख रखा है? हाँ जी फाइनल करना है, डेकोरेट भी करेंगे ना अच्छे से इसे। अच्छा गाइस हम बो रहे हैं ये वाली बेल और मैं इसका आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा ये कैसी होती है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है या नहीं। एक तो छोटी मैंने बो दी है, हमारे पास टूल्स तो है नहीं प्रॉपर, इसको इधर से चलो ऐसे ही बो देते हैं। इस टाइप की अभी इसमें मैं पानी और दूंगा
पानी डालना है मुझे और पेंट करेंगे शाम को, क्योंकि अभी हो रही है बहुत ज़्यादा धूप और पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं ऊपर से थोड़ी सी खाद और डाल देते हैं। प्लांटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट और बस सब पानी और डाल देते हैं इसमें। बाकी का काम करेंगे बाद में। तो अभी आप पसीना आ गया है बहुत ज़्यादा और अभी करेंगे शाम को जो भी पेंडिंग रह गया है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पेंट वगैरह करना है शाम को। अभी धूप हो गई है हल्की, अभी देखते पेंट करते हैं। चलो अभी धूप बहुत हल्की पड़ गई है और मैं ऐसे ही छोड़ के चला गया था। देखो हमारे प्लांट तो मुरझा गए हैं। चलो कोई नहीं, हो जाएंगे दो चार दिन बाद ठीक से। और अभी करते हैं पेंट। बहुत टाइम बाद मैं कोई पेड़ लगा रहा हूँ। मैंने बचपन में ही लगाए थे, तब तो काफ़ी शौक़ होता था इन चीज़ों का। कभी आम के पेड़ लगाते थे, कभी किसी चीज़ के, वो हो या ना हो लेकिन हाँ लगाते ज़रूर थे खेल में या कैसे भी। और उसके बाद तो कभी लगाए नहीं है, बचपन से सीधा अब लगा रहा हूँ मैं कोई पेड़। और ये भी मे भी पेड़ नहीं है, ये बेल है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा कौन सी बेल है। इसके बाद हम एक दूसरा कलर भी करने वाले हैं। ये तो थोड़ा डाउन लाइट कलर है तो इसलिए इसके ऊपर एक दूसरा कलर और करेंगे। तो ब्रश मुझे ठीक सा मिला नहीं, यही पड़ा हुआ था तो मैं सोचा इसी से कर देता हूँ। अच्छा लगेगा ना विदाउट पेंट के, अच्छा लगेगा पॉट। प्लांटिंग फाइनल मोड पे है, करना है। ब्रश भी पुराना उठाया, मिला ही नहीं जो मिला उससे कर रहा हूँ। ऐसे स्ट्रोक्स चलाने ना ऐसे। इस पे तो जैसे भी चलाने हैं चला दो। वो फर्स्ट टाइम पेंट कर रही है टाइम पेंट कर रही है कंचन। ठीक हो रहा है। मैं प्लांटिंग भी मैं भी फर्स्ट टाइम ही की है लाइफ में। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मैंने की है स्कूल में। हाँ एक आध बार मैंने भी की, लेकिन वो बचपन में की थी, वो आम के पेड़ लगाए थे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी पता है, धनिया वगैरह और पुदीना का ऐसा कुछ प्लांट्स लगाए हम। अरे हाँ हम इसमें धनिया भी डाल सकते हैं थोड़ा। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ हमारी प्लांटिंग और पॉट हो गया है कंप्लीट। देखो कैसा लग रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए पेंट करने के बाद और ब्यूटीफुल लग रहा है। और प्लांटिंग भी मैंने इसमें कर दी थी, मैंने इसमें दो स्टिक लगाई हैं। अब देखो कौन सी जमती है, रूट कौन सी जल्दी पकड़ती है।
और मैं दिखाता हूँ मैंने इसमें ये एक प्लांट क्या किया है, अगर ये रूट पकड़ता है तो किस टाइप का लगेगा और कितना ब्यूटीफुल लगेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाले फ्लावर की प्लांटिंग की है मैंने, लगने के बाद ये कितने ब्यूटीफुल लगेंगे आप खुद आइडिया लगाइए। ओए मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, ये कौन सी बेल है मैं नहीं जानता, आप अगर आपको याद आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइज पॉट हो गया हमारा कंप्लीट और प्लांटिंग भी हो गई है, बस अब उसकी केयर करनी है कुछ दिन के लिए जब तक वो रूट नहीं पकड़ती, और देखा ही आपने कि वो रूट पकड़ लेगी और आगे बढ़ने लगेगी तो कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया, क्योंकि हमारे फ्रंट वो पड़ोस में ही हमारे सामने वालों के यहाँ पे पड़ोसियों के वो बहुत पहले से हो रखी है। तो अभी इस व्लॉग को मैं करता हूँ अब यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया, मैं इस व्लॉग को बनाने में पिछले 3 दिन से लगा हुआ हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और सब्सक्राइब करना गाइस चैनल को ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें। बाय।